गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि सब आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म भरने का जो डेट था वो 15 दिसंबर तक था, जो कि बढ़ के अब 29 दिसंबर तक हो गया है। ठीक है, तो आप सभी को फॉर्म भरना है और भरने के बाद आपको तैयारी भी करना है। ठीक है, तो तैयारी कैसे करोगे और क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा, और कैसे करना है क्या करना है इसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये पूरा मैं कराऊंगा, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। आपको बस साथ देना है, जो मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है। ठीक है, आपको मैं जो वर्क दूंगा उसको करना है और टेस्ट देना है, और PDF जो भी मैं भेजूंगा उस पर आपको काम करना है। ठीक है, ये सब आप करिएगा तो आपको नवोदय विद्यालय में कोई परेशानी नहीं होगी उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हम देखते हैं कि नवोदय विद्यालय क्यों। तो नवोदय विद्यालय सबसे महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम होता है बच्चों के लिए, इससे उनका उनको अलग अलग स्कूल में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नवोदय विद्यालय में जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पूरा 12 तक की कक्षाएँ आपको सेंट्रल लेवल पर मुहैया करवाई जाती है अच्छे शिक्षक के द्वारा। ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट एंड रहने का भी आपको सुविधा पूरा दिया जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होता है बच्चों के लिए, ये दो बार आप दे सकते हैं आराम से। ठीक है, एक बार 5th में, फिर 8th में भी दे सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जानना है कि जो 5th क्लास से मतलब 6th क्लास में जो जाएंगे उनके लिए क्या क्या सिलेबस होगा, उनको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला चीज़ है आपको मेंटल एबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, ये नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, मतलब आपको इमेज या चित्र दिया होगा उससे उस पर आधारित आपको प्रश्न दिया जाएगा। ओके, एंड कितने क्वेश्चन होंगे, तो 40 क्वेश्चन होगा जो कि 50 नंबर का होगा। ठीक है, फिर आता है गणित, अर्थमेटिक टेस्ट, या आपका 4th लेवल तक या 5th लेवल तक जितने आप गणित पढ़े हैं उसमें से संबंधित होता है, और इसमें 20 क्वेश्चन आएगा जो कि 25 नंबर का होगा। ठीक है, तीसरा आता है इंग्लिश का टेस्ट। ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट, इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी का पैसेज दिया रहेगा। ठीक है, जो कि 20 क्वेश्चन होगा और 25 नंबर का होगा। ठीक है, पैसेज से संबंधित आपको प्रश्न दिया रहेगा, उसको आपको हल करना रहेगा। तो इन सभी को अगर टोटल करें तो टोटल आपको 80 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और 100 नंबर का रहेगा, आपको 2 घंटा में बनाना रहेगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, सिलेबस मतलब क्या क्या आएगा वो है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेंटल एबिलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक टेस्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, और लैंग्वेज टेस्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ मेंटल एबिलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मेंटल एबिलिटी में पढ़ना पड़ेगा ऑड मैन आउट। ठीक है, ऑड मैन आउट का मतलब होता है इन चारों जो इमेज दिया हुआ है इसमें से अलग कौन सा है। ठीक है, इन चारों में से अलग कौन सा है उसको आपको डिसाइड करना है। ये 4 इमेज दिए हैं, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, इन चारों में से कौन सा इमेज अलग है वो कहलाता है ऑड मैन आउट। ये पहला पार्ट है मेंटल एबिलिटी का, पहला पार्ट। ठीक है, ठीक है, सेकेंड आपका पार्ट है फिगर मैचिंग। फिगर मैचिंग जो कि महत्वपूर्ण है, इसमें आपको 5 इमेज दिया होगा उसमें से एक इमेज जो इस साइड रहेगा इसको आपको मैच करना है, इन चारों इमेज में से आपको मैच करना है। ठीक है, ये जो इमेज दिया है ये इन चारों में से कौन से इमेज से मिलता जुलता लग रहा है, इसी को बोलते हैं फिगर मैचिंग। ओके, सो फिगर मैचिंग में आपको एक इमेज एक्स्ट्रा दिया रहेगा, इसको आपको मैच करना है कि ये चारों में से कौन सा इमेज आपको इसके जैसा लग रहा है। ठीक है, ये है फिगर मैचिंग। एंड थर्ड है पैटर्न कम्प्लीशन। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपका आएगा पैटर्न कम्प्लीशन। पैटर्न कम्प्लीशन में आपको ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह बच गया है, इसमें इनमें से कौन सा इमेज आएगा, इन चारों में से कौन सा इमेज आएगा कि ये जो पैटर्न जो अधूरा था वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग में भी 5 इमेज देगा, एक इमेज जो कि बड़ा रहेगा, जो अधूरा रहेगा, इस अधूरे इमेज को आपको
पूरा करना है, कंप्लीट करना है, इसी को बोलते हैं पैटर्न कंप्लीशन। ओके, एंड फोर्थ नंबर है फिगर सीरीज। फिगर सीरीज, ठीक है, फिगर सीरीज थोड़ा सा लॉजिकल है, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। इसमें आपको ये फर्स्ट सीरीज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, आपको फोर्थ नंबर में क्या आएगा ये बताना है। मतलब ये वाला फर्स्ट सीरीज है, ये वाला सेकंड सीरीज है, ये वाला थर्ड सीरीज है, इस फोर्थ नंबर में क्या आएगा आपको बताना है। तो इस फोर्थ नंबर में इनमें से कुछ आएगा, ये जो चार ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, चार ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, इसमें से कुछ आएगा। ठीक है, तो फिगर सीरीज में तीन इमेज दिया रहता है, एक के लिए ब्लैंक, ठीक है, खाली स्थान छूटा रहता है, उसमें इस चारों में से कौन सा इमेज आएगा उसको आपको बताना रहता है। ठीक है, ये हमारा चार पार्ट्स हो गया। उसके बाद पांचवा पार्ट होता है एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी में आपको आपको इसमें बताना है कि ये जो रेशियो है, एनालॉजी में रेशियो होता है, ठीक है, रेशियो होता है, मतलब दो इमेज का रिलेशन होता है, इसमें दो इमेज का रिलेशन होता है, ये दो इमेज का रिलेशन और ये दो इमेज का रिलेशन। तो जैसे इस इमेज का रिलेशन, इन दोनों का जैसे रिलेशन है, वैसे ही इन दोनों का रिलेशन होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मार्क जो दिया हुआ है उसके जगह में क्या आएगा इन चारों में से, इन चारों में से इस क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या आएगा उसको आपको बताना है। और कैसे डिसाइड करोगे, जैसे ये वाले दो इमेज का रिलेशन है वैसे इन दोनों का आपको रिलेशन बनाना है, इसको बोलते हैं एनालॉजी। ठीक है, तो अभी बस आप लोग समझो कि क्या सिलेबस में है क्या नहीं है। ठीक है, मैं पूरा इसको कंप्लीट कराऊंगा, चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा पार्ट सिक्स। ठीक है, पार्ट सिक्स है आपका, देखते हैं एक मिनट। ठीक है, इसमें देखिए जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। ओके, इसमें या तो एक डब्बा बनाना है आपको, या तो एक ट्रायंगल बनाना है, या तो एक सर्कल बनाना है, ये तीन चीज़ बनाना रहता है। ठीक है, तो इसमें भी पांच इमेज दिया रहता है, एक इमेज जो आपका क्वेश्चन रहता है, बाकी जो चार इमेज दिए रहते हैं वो आपका आंसर होता है। तो ये जो देखिए इसमें जो ऐसा टी शेप दिया हुआ है, इस टी शेप में, ये वाला जो टी शेप है, इस टी शेप में हम क्या जोड़ें कि वो स्क्वायर बन जाए, इन चारों में से क्या फिट करें उस टी शेप में कि वो स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इसको जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन बोलते हैं, मतलब जो अधूरा फिगर है इसमें आपको उसको पूरा करना है। ठीक है, लेकिन पूरा कैसे करोगे, या तो स्क्वायर बना के करोगे, या तो ट्रायंगल बना के करोगे, या तो सर्कल बना के करोगे। ठीक है, तो जो आपका शेप दिया रहता है उससे पता चल जाता है कि ट्रायंगल बनेगा कि स्क्वायर बनेगा कि सर्कल बनेगा। तो इसमें जो दिया हुआ है टी शेप, तो टी शेप सर्कल तो नहीं बन सकता, ट्रायंगल भी नहीं बन सकता, तो बनेगा क्या, स्क्वायर। तो कौन सा इमेज उसमें फिट करें कि वो स्क्वायर बन जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पार्ट नंबर सेवन, मिरर इमेज। मिरर इमेज में आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, और ये जो चार है वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो आपको उसका मिरर इमेज बनाना है, मतलब ऐसा कोई भी फिगर जिसको हम मिरर से देखेंगे तो क्या दिखेगा वो। ठीक है, उसको बोलते हैं मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज भी इम्पॉर्टेंट है। मिरर इमेज के बाद वाटर इमेज भी रहता है। ठीक है, तो वाटर इमेज भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद पार्ट नंबर एट। ठीक है, पार्ट नंबर एट में आपको फोल्डिंग और अनफोल्डिंग पढ़ना है। ठीक है, मतलब कोई भी कागज़ को अगर हम कट करके फोल्ड करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है, या फोल्ड को हम निकालते हैं तो कैसा दिखेगा। ठीक है, जैसे ये कागज़ है, इसको बीच से अगर पहले मोड़ दें, उसके बाद बीच से अगर हम होल कर दें तो कैसा दिखेगा, ये आपको फोल्डिंग और अनफोल्डिंग में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है स्पेस विजुलाइजेशन है। स्पेस विजुलाइजेशन में आपको एक जो पार्टीशन में फिगर दिया रहेगा, ठीक है, पार्ट्स में आपको फिगर दिया रहेगा, उसको आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, उसको आपको ज्वाइन करना है, या आपको कटिंग भी करना है इसमें, तो उसको बोलते हैं स्पेस विजुलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद है एम्बेडेड फिगर। ये सबसे आसान है। एम्बेडेड फिगर में ये जो फिगर दिया हुआ है इनमें से किस में है आपको ढूंढ के बताना है। ये जो फिगर है ये किस में शामिल है, एम्बेडेड मतलब होता है शामिल, किस में शामिल है उसको आपको बताना है। तो ये जो अभी जो हम लोग पढ़े पार्ट्स नंबर जो 9 तक पढ़े, ये पूरा 9 पार्ट्स आपका
नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है, ठीक है, जो कि आपका सिलेबस है। यहाँ से कितना नंबर का आएगा क्वेश्चन? 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा? 40 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 50 नंबर का प्रश्न और 40 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से करेंगे, ठीक। डिजिटल क्लास भी लूँगा, टेस्ट भी लूँगा, तो आपका पढ़ाई अच्छा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट है हम लोग का अर्थमेटिक टेस्ट, ठीक है। अर्थमेटिक टेस्ट में क्या क्या आएगा देख लीजिए पहले। चलिए, इसमें हमको ये जो 15 टॉपिक है उसको पढ़ना है, ठीक है। ये आपका गणित है, अर्थमेटिक टेस्ट, इसमें से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो रीजनिंग के बाद हमको गणित पढ़ना है। तो गणित में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है? पहले नंबर पढ़ना है, नंबर सिस्टम। दूसरा, फोर फंडामेंटल ऑपरेशन, मतलब एडिशन। और इसमें हम लोग बॉड मास भी पढ़ेंगे, ठीक है। जो सेकेंड टॉपिक है उसमें हम बॉड मास भी पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है। बार पढ़ेंगे, पावर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट्स उसको पढ़ना है। फिर है डिजिट और फ्रैक्शनल नंबर भी पढ़ना है। फिर फैक्टर और मल्टीपल पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, ठीक है। डेसिमल सिस्टम पढ़ना है। फिर उसके बाद कन्वर्जन पढ़ना है, डेसिमल टू नॉर्मल एंड नॉर्मल टू फ्रैक्शन, ठीक है। इस टाइप का करना है हमको, इसमें पढ़ना है। फिर मेजर्स ऑफ यूनिट्स पढ़ना है, यूनिट्स का मेजर पढ़ना है। डिस्टेंस टाइम पढ़ना है, एक्सप्रेशन पढ़ना है, ठीक है। परसेंटेज पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट, पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है, ठीक है। इसका बेसिक पढ़ना है, एडवांस नहीं पढ़ना है। जो आप फोर्थ क्लास में, जो फिफ्थ क्लास में आप पढ़े हो ना, वो आपको पढ़ना है। तो ये आपका गणित का सिलेबस है, एप्टीट्यूड का, ठीक है। अगला है लैंग्वेज, अगला है हमारा लैंग्वेज। तो तीन तीन पोर्शन है आपका नौदे का। पहला रीजनिंग है, दूसरा गणित है, तीसरा नौदे पैसेज है, ओके। सो पैसेज में लैंग्वेज टेस्ट में क्या क्या पढ़ना है बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो लैंग्वेज टेस्ट में आपको इस प्रकार का पैसेज दिया रहेगा, ये आपका पैसेज है, ठीक है। इस पैसेज को पढ़ के आपको इसका जवाब देना है। ऐसे 5-6 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव में कौन सा इसमें आएगा वो आपको पता लगाना है, ठीक है। लेकिन पहले क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। सो पैसेज को पढ़ना है। यहाँ से फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, ठीक है। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत सारे, बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। और हमारे लिए बहुत सारे जगह में फॉरेस्ट का उपयोग होता है, ओके। मैनी वेव्स, बहुत सारे तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। दे आर प्रोवाइड अस विथ ए टिम्बर टू बिल्ड हाउस एंड मैक फर्नीचर, ठीक है। वो हमको क्या क्या सुविधा देता है? टिम्बर मतलब लकड़ी होता है, ठीक है। हाउस घर बनाने के काम आता है, और फर्नीचर, ठीक है, देखना है, बेड शीट, पलंग, ये सब बनवाते हैं ना, अलमारी भी बनाते हैं। फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड विथ अस वुड फॉर फ्यूल एंड मेकिंग पेपर। फॉरेस्ट ऑल का सुविधा देता है, फ्यूल, वुड फॉर फ्यूल एंड मेकिंग, ओके, ईंधन के लिए लकड़ी के काम आता है, जलाते हैं, ठीक है। मेकिंग पेपर, पेपर बनाने के काम आता है। और शेल्टर फॉर द बर्ड्स, ठीक है, जो चिड़िया वहाँ पे घोंसला बनाती है, तो शेल्टर मतलब उनका निवास स्थान है, एनिमल्स भी वहाँ रहते हैं, इंसेक्ट मतलब छोटे छोटे कीड़ा भी रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको पैसेज पढ़ना है, और आपको समझ के ये जो क्वेश्चन दिया है इस पर समझ के आपको इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आपको चूज़ करके फिलअप करना है, ओके। सो ये आपका पैसेज पार्ट है, लैंग्वेज पार्ट है। उस लैंग्वेज में आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है ये भी, ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आएगा। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो नौदे में तीन बेसिक पोर्शन है, पहला नॉन वर्बल रीजनिंग, दूसरा गणित, तीसरा लैंग्वेज पार्ट्स, ओके। सो तीनों को मैं करवाऊँगा आपको, तीनों को अच्छे से करवाऊँगा, और टेस्ट भी लूँगा, ठीक है, PDF भी भेजूँगा आपको। और कुछ भी डाउट हो तो डायरेक्ट मेरे को इस नंबर में कॉल करेंगे, 7974972238, ओके, ये मेरा नंबर है, इसमें आपको डायरेक्ट कॉल करना है, 7974972238, ओके। सो इस नंबर में कुछ भी डाउट होगा तो आपको कॉल करना, और मैं लगातार वीडियो भेजूंगा, तो उसको आपको देखना है, ठीक है, समझना है, इसका नोट्स बनाना है, कॉपी बनाना है अच्छे से, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज भी भेजूंगा, उसको आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। और जितने भी आपके दोस्त हैं, कोई दूसरे जो पढ़ना चाहते हैं नौदे का, उसको भी आप शेयर करेंगे, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो तो मेरे को कॉल करेंगे, ओके। थैंक यू सभी को। और अभी कोरोना काल में किसी को बाहर
अभी जाना नहीं है, ठीक है, बैठ के तैयारी करना है। अप्रैल के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स लाना है, ठीक है, और उसके बाद बाहर नहीं जाना है, अपना ख्याल रखना है, अपने आसपास का भी ख्याल रखना है, फैमिली के साथ एंजॉय करना है। ओके, थैंक यू सभी को।